डैशिंग खलनायक की कहानियां आपने बहुत सुनी होंगी, पर जब भी जिक्र होता है खलनायकी का तो जहन में सिर्फ एक नाम आता है। बताया ना, हम तुम्हारे साहब के खास दोस्त हैं। आपने बताया? साहब ने तो नहीं बताया। कहाँ गए हैं तुम्हारे साहब? मालूम नहीं, इनके साथ गए, शाम को लौटेंगे। ओह, क्या नाम है इनका? नीलमा। कहाँ रहती है? पड़ोस में नौकरी करती है। नौकरी? हाँ, एक बच्ची की देखभाल करती है। मेड सर्वेंट? आया? अजय एक आया से प्यार करता है? आया, अब समझ में आया। मैं आरजे अनामिका आई हूँ कहानी लेकर उस हसीन अदाकारा की, जिसने बॉलीवुड पर अपने कायल खलनायकी से चार चांद लगा दिए। जी हाँ, शशिकला के यादों के सफर में कुछ कांटे भी हैं, जिनकी कहानी आप आज सुनेंगे। यूं तो शशिकला बड़े पर्दे पर विलन के रूप में दिखती है, पर असली जिंदगी में शशिकला एक कामयाब नायिका है, जिसने असली जिंदगी में मुश्किल भरे समय का डटकर सामना किया था। 60 और 70 का दशक पूरी तरह से उनके नाम रहा। शशिकला जवळकर की कहानी सोलापुर से शुरू होती है। 4 अगस्त 1932 को इस बाला का जन्म हुआ। उनके पिताजी का वहां कपड़ों का व्यापार था। 3 बहनें और 3 भाइयों के परिवार में शशिकला का बचपन शान से बीता। पर कहते हैं ना, समय कभी एक सा नहीं होता। कुछ ऐसा ही हुआ जवळकर परिवार के साथ। दरअसल पिताजी उनके भाई के बेटे की पढ़ाई लिखाई पर बहुत ध्यान देते थे। उसे लंदन भेजा गया और वहां उसकी पढ़ाई लिखाई के लिए पिताजी अपनी जमा पूंजी भेजने लगे। और एक समय ऐसा आया जब कपड़ों के व्यापार में मंदी आई और पिताजी पूरी तरह से बर्बाद हो गए। उन्हें विश्वास था कि भाई का बेटा उन्हें मदद करेगा, पर लंदन से कोई मदद नहीं आई। समय के साथ जवळकर परिवार रास्ते पर आ गया, उनके परिजन वाले भी दूर होते चले गए। एक इंटरव्यू में शशिकला बताती हैं कि वो समय बहुत कठिन था। 8 दिन तक हमें खाना नहीं मिला था। सोलापुर में रहकर वो सार्वजनिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेती थी और स्टेज पर अच्छी एक्टिंग करने के कारण लोगों ने उनके पिताजी को सलाह दी कि बेटी बहुत खूबसूरत है, इसे फिल्मों में नसीब अपनाना चाहिए। तो इस तरह सभी भाई बहन पिताजी संग मुंबई आ पहुंचे। यहाँ वे अपने रिश्तेदारों के घर रहने लगे। इसी दौरान 11 साल की शशिकला काम के तलाश में स्टूडियोज में भटकती रहती थी। इसी समय अभिनेत्री नूरजहां ने उन्हें अपने साथ रहने का मौका दिया और कहा जाता है कि शशिकला ने नूरजहां के घर नौकरानी का काम शुरू किया, जिससे उनकी कुछ आमदनी हो। उस दौरान नूरजहां के पति सैयद रिजवी जीनत नाम की फिल्म बना रहे थे। इसमें नूरजहां के बचपन के किरदार के लिए किसी को कास्ट नहीं किया गया था। शशिकला की बड़ी इच्छा थी कि वो किरदार उन्हें मिले, पर मराठी जुबान होने के कारण हिंदी और उर्दू दोनों भाषाएं वो बोल नहीं पाती थी। इसी कारण उन्हें वो किरदार नहीं मिला, पर रिजवी ने उन्हें कव्वाली के चित्रीकरण में उन्हें कुछ अन्य बाल कलाकारों के संग बिठा दिया और इस तरह शशिकला ने पहली बार कैमरा का सामना किया। इस काम के लिए उन्हें 20 रुपए दिए गए, जिससे शशिकला के परिवार ने बहुत दिनों के बाद पेट भर के खाना खाया और दिवाली मनाई। बतौर कलाकार शशिकला की किस्मत फिल्म जुगनू के साथ चमकी। 1947 में रिलीज हुई इस फिल्म में उन्होंने दिलीप कुमार के छोटी बहन का किरदार निभाया था। इस फिल्म के साथ देश का बंटवारा हुआ और नूरजहां के साथ रिजवी भी पाकिस्तान चले गए, पर शशिकला के मुताबिक रिजवी ने वादा किया था कि वे उन्हें अगले फिल्म में लीड हीरोइन बनाएंगे। कुछ फिल्मों में साइड रोल करने के बाद शशिकला बतौर लीड एक्ट्रेस फिल्म नजारे में दिखी। डोली, पगड़ी, गर्ल स्कूल, ठेस, राजरानी, जलतरंग, आरजू, अजीब लड़की, 3 बत्ती 4 रास्ता, जीवन ज्योति, चाचा चौधरी और शर्त जैसी फिल्में करने के बाद शशिकला 22 साल की हो गई थी और उस जमाने में वो एक जाना माना चेहरा बन चुकी थी। इसी दौरान ओम प्रकाश सहगल से उन्हें प्यार हुआ और दोनों की शादी हुई।
शादी के बाद ओम प्रकाश सहगल फिल्म निर्माण के क्षेत्र में उतर आए और 1961 में करोड़पति फिल्म बनाकर वे बर्बाद हो गए। पैसों के कमी के कारण पति और शशिकला के बीच दूरियां आई। आलम ये रहा कि शशिकला ने पति और दो बेटियों को छोड़कर विदेश चली गईं। पर ये वही समय था जब पैसों के कमी के कारण उन्होंने सब किरदार किए, पर ज्यादातर किरदार खलनायिका के आने लगे थे। शशिकला के मुताबिक वो कभी नेगेटिव किरदार निभाना नहीं चाहती थी, पर समय की गति के साथ वो चलती रही। ऐसा कहा जाता है कि शशिकला पति को छोड़ विदेश भी गई थी, पर वापस लौटने के बाद उन्हें काम मिलना बंद हो गया और वो यहाँ वहाँ भटकने लगी। इसी दौरान वो मदर टेरेसा के आश्रम जा पहुंची, जहाँ उन्हें गरीब लोगों की सेवा की। शशिकला का कहना है कि उस दौरान वो अध्यात्म की ओर झुक रही थी। पर अगर उनके फिल्मोग्राफी पर नजर डाली जाए तो 1962 के बाद उन्होंने खूब सारे फिल्मों में काम किया था। शायद ऐसा भी हो सकता है कि आश्रम में रहकर उन्होंने इतनी सारी फिल्में की हो। पर कहा जाता है कि शशिकला अध्यात्म की तरफ 1988 के बाद मुड़ती चली गई, क्योंकि 1988 के बाद वो किसी भी फिल्मों में नहीं दिखी। शशिकला के मुताबिक वो 1992 के बाद घर लौट आई थी और उसी दौरान समय भी बदल चुका था। बड़ी बेटी को कैंसर हो चुका था और साथ ही शशिकला ने फिर से फिल्मी जीवन को आयाम देना शुरू किया। 21वीं सदी धारावाहिकों के जरिए शशिकला ये नाम घर घर तक फिर से पहुंच गया। जुनून, आह, सोनपरी, किसे अपना कहे, जैसे सीरियल से शशिकला का पुनर्जन्म हुआ। कहा जाता है कि शशिकला आजकल विदेश में रहती हैं और उनकी छोटी बेटी शैलजा कुलाबा में रहती हैं। आज शशिकला 88 साल की हो चुकी हैं, पर फिल्म जगत में आज भी उनका नाम बड़े शान के साथ लिया जाता है। तो मैं थी आपकी आरजे अनामिका। मेरी सुनाई हुई कहानी आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरीज को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।